सियासी खेड पंजाब दे विच शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छेती ही पंजाब दे दौरे ते आने वाले ने ते होवेगा एक वड्डा ऐलान। वड्डा ऐलान भूचाल लियावेगा ते कांग्रेसी खेमे नूं किते ना किते कमजोर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि सियासी पंडिता तो सानू खबर यह मिली है कि कांग्रेस के कुछ चेहरे अठ वड्डे चेहरे की मैं गल कर रहा जो भाजपा नूं ज्वाइन कर सकते हैं, अलायंस नूं ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ कैप्टन के कहण पर जाएंगे तो कुछ मोदी साहब के कहण पर फिलहाल कित ना कि वड्डे अहदे का लालच भी हो सकता है, पर जाएंगे जरूर। ये खबर पक्की हैगी है क्योंकि इतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेरी लंबे समय बाद पंजाब दे विच आने वाले समय के वेखण मिलेगी। तो इस करके प्रधानमंत्री मोदी भी चाहणगे कि उन्होंने नाल कुछ सिख चेहरे हिंदू चेहरे भी शमूलीयत करते नज़र आ। हुण फिलहाल चेहरे की इत्थे गल कर लैने आ, पर साफ तौर पर असीं कह रहे हैं यह सिर्फ एक कयास है। सियासी पंडित इस तरह दीयां गल्लां कर रहे हैगे ने ते आउण वाले समय दे विच खुलासा हो सकता है कि किहड़े चेहरे स्टेज ते कांग्रेस नूं छड्ड के भाजपा नूं ज्वाइन करते हुए नज़र आउणगे। एक वेकअप कॉल भी हैगी है साडी इह खबर चन्नी साहब दे लई, ते खतरे की घंटी भी हैगी है कांग्रेस दे लई क्योंकि कांग्रेस दीयां जड़ां किते ना किते खोखली हुंदी हुईयां नज़र आ रहीयां ने कैप्टन दे जाण तो बाद। चेहरियां दी गल करदे आं, फिलहाल सब तो वड्डा चेहरा तुहानूं दिखा दिंदे आं टीवी स्क्रीन ते तुहाडे सामणे। सब तो पहला चेहरा विजेंद्र सिंगला, यह चेहरा तुसीं ध्यान नाल वेख लो। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खासम खास सिंगला दी गल करिए तां हमेशा ही कैप्टन परिवार दे नेड़े हो रहे। हालांकि सिंगला जी दी गल करिए हमेशा बयान भी उन्हां दे नेड़े हो, असीं सुणे बेटे वांग प्यार दिता कैप्टन ने, स्टेज पर भी बोलते नज़र आए, मुरीद नज़र आए कैप्टन दे, ते कहा है कि मेरे परिवारिक नाम नाल ही मैनू हमेशा बुलाया कैप्टन साहब ने। इस करके हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कहण ते सिंगला इत्थे अलायंस दे विच जॉइनिंग करते हुए नज़र आउण। हुण दूजे चेहरे की गल करते हैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजपा की गल करिए, हमेशा ही यह जनाब सुरखियां दे विच रहे, बयानां नूं लैके कैप्टन नूं लैके सिद्धू नूं लैके हमेशा ही इन्हां ने तरह तरह के बयान दिते हैगे ने। तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर तुसीं देखो इस चेहरे नूं ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दीयां कई बार मुश्किलां भी इन्हां ने वधाईयां, सिद्धू के खिलाफ भी ये बोलते हुए नज़र आए, तो आप दे इन्हां दे हल्के की गल करिए लोग कहिंदे ने कि साफ सुथरी भाजपा के वलों सियासत की जाती है। कैप्टन नूं भी नसीहत दी इन्हां ने समय समय सिर, तो दूजे पासे सिद्धू नूं भी इन्हां ने नसीहत दी क्योंकि जदों सिद्धू दे नाल कैप्टन की नाराजगियां चल रही सन तो यही वो चेहरा सी जिन्हें यह कहा कि कैप्टन साहब चिट्ठियां नूं भुल जाओ, ये तमाम मसला रहा। इस करके कह सकते हैं कि भाजपा साहब खेमे नूं ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन दे भाजपा दे। एक होर चेहरा ब्रह्म महिंद्रा का जिक्र इतने निकल के सामने आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, चेहरा तो दिखाने हैं ब्रह्म महिंद्रा की गल करिए शाही शहर पटियाला तो इन्हों का ताल्लुक हैगा, तो कांग्रेस के यह कट्टड़ नेतावान के एक है ने। पर ब्रह्म महिंद्रा का नाम हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के रहा, फ्लैक्स भी लग गए पटियाले की गल करिए, पर एकदम तो पूरी गेम ही पलटती हुई नज़र आई। तो इतने चन्नी साहब नूं मुख्यमंत्री ला दिता सी, हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ब्रह्म महिंद्रा का जड़ा धड़ा है कौंसलर के मसले पर भिड़ता होया भी नज़र आया, पर वो मसला यह समझा जा रहा है कि सुलझ चुकया हैगा। तो कहा जाता है ना कि सियासत दे विच सब कुछ पॉसीबल है, तो कुछ कदे भी कुछ भी हो सकता है, तो उही गल आपां लै के चलीए। अगले चेहरे की गल करिए सुख सरकारिया का नाम इतने निकल के सामने आ रहा है। सुख सरकारिया का चेहरा भी तुसी ध्यान नाल वेख लवो, ये चेहरा भी कहा जा रहा है कि किते ना किते दल बदल कर सकता है। सुख सरकारिया की गल करिए भी कैप्टन दे मुरीद हैगे ने, सुख सरकारिया ते कैप्टन मेहरबान रहे ने हमेशा ही सुरखियां दे विच, इस करके ये मुद्दा रहा क्योंकि मुख पार्लियामानी सकत्तर भी सुख सरकारिया नूं कैप्टन दे वल्लों ही दिता गया सी, ते अमृतसर दे विच भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुख सरकारिया दे वल्लों कैप्टन दे हक दे विच कीती गई सी। अगला चेहरा जो तुसी देखोगे उन्हों देख के तुहानू किते ना किते हैरानगी होवेगी, हालांकि इन्हां दे चेहरे लैके समझा जा रहा है कि 50-50 वाला चांस हैगा ओपी सोनी साहब का क्योंकि पंजाब दे डिप्टी सीएम दे अहुदे ते तां हैगे ने, पर दूजे पासे ओपी सोनी किते ना किते
दल बदल कर सकते हैं, ये खबर भी कितने ना कितने सियासी पंडित कहते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी सोनी का चेहरा तुम दिखाने हैं, ओपी सोनी की गल करिए हिंदू चेहरे के तौर पर देखा जाता है, तो कैप्टन सिद्धू विवाद से भी इन्हों का एक बयान सामने आया कि उन्होंने सिद्धू को नसीहत दी कि जे कुछ बोलना है तो पहला सोच समझ के बोलो। सोनी साहब की गल करिए हुण तक इन्हों का महकमा पाक साफ रहा है तो काफ़ी वधिया इन्होंने काम किया है, इस करके हिंदू चेहरे के तौर पर इत्थे चाहेगी भाजपा कि माझे इलाके तो इन्हों चुनिया जाए तो वोट बैंक हासिल किया जाए। इस तो बाद भारत भूषण आशू की गल करते हैं, इन्हों का चेहरा भी तुम दिखाने हैं। भारत भूषण आशू की गल करिए इन्हों का ताल्लुक पंजाब के सब तो व्डे हल्के लुधियाना तो है, लुधियाना की गल करिए 14 हल्के लुधियाने के पेंदे है, तो भारत भूषण आशू में भी लैके कयासकारियां लगाई जा रही ने। भारत भूषण आशू की गल करिए हो सकता है कि ये किसी खेमे के जान, पर कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धू के नाल हुण इन्हां दे तालुकात जो है वो काफ़ी ज़्यादा वधिया हो चुके हैं, इस करके इन्हां लैके 50-50 वाली इत्थे स्थिति बनी हुई है। अगला चेहरा राणा गुरजीत, राणा गुरजीत ने हालांकि तुहानूं पता होना कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उन्होंने किस तरह बयान दिते सी, ते लगातार खहरा तो लैके तमाम कांग्रसी राणा गुरजीत के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राणा गुरजीत की गल करिए अपने समय के भी वो काफ़ी ज़्यादा सुरखियों के रहे, जो कैप्टन के नाल उन्होंने काफ़ी वधिया काम करन दा दावा किया सी, तां भी उन्होंने महकमे तो लैके उन्होंने महकमे नूं लैके कई तरह के सवालात खड़े हुए सन। तो राणा गुरजीत की तस्वीर भी तुसीं वेख लो, तो राणा गुरजीत की गल करिए ये भी फिलहाल हमेशा ही कहते रहे कि कैप्टन मेरे सियासी गुरु ने, यानी कि सियासी गुरु जे कहेगा तो सियासी गुरु के कहण के मुताबिक ही हो सकता राणा गुरजीत इत्थे अलायंस नूं ज्वाइन करन, ते आने वाले समय के सिद्धू ते चन्नी नूं अलविदा यह कह सकते हैं। अखीर दे विच राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की गल करते हैं, राणा सोढ़ी की गल करिए काफ़ी ज़्यादा वधिया इन्होंने स्पोर्ट्स लई काम किया हैगा, तो हुण फिलहाल अजकल जनाब खफा खफा से नज़र आ रहे हैं, तो गल की जाए तो नाराज इस करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि महकमे दे विच जो तब्दीलियां हुई हैं उस तो बाद नाराजगी तो जाहिर है ही है, तो कैप्टन दे काफ़ी ज़्यादा ये नेड़े भी मने जाते हैं। सोढ़ी साहब की तस्वीर भी तुम दिखाने हैं, तो अगे तुहानू कारण भी दसते हैं। साबका मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बहुत ही नज़दीकी रहे हैं सोढ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा कैप्टन की मेहरबानी है सोढ़ी ते भी रही हैगी है, तो कैप्टन दे वल्लों नवी खड़ी की गई सियासी पार्टी की तरफों चोण वह लड़नगे जब भाजपा के वलों यह चर्चा आम ही सियासी गलियारे दे विच काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि राणा सोढ़ी दल बदल कर सकते हैं, भगवा तारण कर सकते हैं। अखीर दे विच दो विधायकों का भी जिक्र निकल के सामने आ रहा है, दो विधायकों की गल करिए उन्होंने नावों का तो खुलासा नहीं होया, पर दूजे पास कहा जा रहा है कि जड़े वड्डे चेहरे ने कांग्रेस के जो भाजपा में ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने चेले यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुड़ी सांझ रखण वाले MLA किते ना किते अलायंस में ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यह खबर निकल के सामने आ रही है, तो कयासकारियां इन तमाम चीज़ों लैके किते ना किते चर्चा दे विच है। दूजे पासे जो तुहानू इह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वधिया लग्या है तो वध तों वध इहनू शेयर भी करो, कमेंट भी करो कि वाकई इस तरह मुमकिन है जां फिर नहीं, जां फिर सियासी पंडित जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तमाम चीज़ों लैके तुहाडे विचार भी काफ़ी ज़्यादा वडमुले होणगे। चैनल नू सबसक्राइब ते लाइक करना भी ना भुल्लियो।